नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड कोर्स में नामांकन को लेकर तीसरी सूची जारी। बिहार में ट्रेनों का सफर होगा सस्ता। सीबीएसई ने प्रश्न पत्र पैटर्न में किया बदलाव। इंटरपोल की मदद से साइबर अपराधियों को पकड़ेगी बिहार पुलिस। इंदौर में 55 आदिवासी बच्चों को सचिन तेंदुलकर का खास गिफ्ट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएड कोर्स में नामांकन को लेकर तीसरी सूची जारी। एलएनएमयू में 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ने 8,843 सीटों पर नामांकन के लिए तीसरी सूची बीते दिन सोमवार की शाम जारी कर दी है। तीसरी सूची में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर आवंटित महाविद्यालय या संस्थान की स्वीकृति देते हुए 21 से 26 सितम्बर तक ₹3,000 आंशिक शुल्क जमा करेंगे और 21 से 27 सितम्बर तक संस्थान में पेपर सत्यापन कराकर नामांकन ले सकते हैं। इंटरपोल की मदद से साइबर अपराधियों को पकड़ेगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस अब पटना में पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह मामले की जांच में अब इंटरपोल की मदद लेगी। बता दें कि इसके लिए कोर्ट आदि से जुड़ा पेपर वर्क किया जा रहा है। वहीं बीते दिन सोमवार को एडीजीपी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगावार ने बताया है कि दिग्घा थाना ने 3 साइबर क्राइम से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों सादर पश्चिम बंगाल निवासी हैं। जी एग्रीमेंट देने के बहाने से $10,000 से $15,000 तक की ठगी का काम करते थे। इस गिरोह की सरगना की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सीबीएसई ने प्रश्न पत्र पैटर्न में किया बदलाव। सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 का नया प्रश्न पत्र पैटर्न बीते दिन सोमवार को जारी कर दिया है। इस बार प्रश्न पत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों में 4 और 5 अंकों के प्रश्न की संख्या कम होगी। 10वीं विज्ञान और गणित विषय में 5 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वहीं सामाजिक विज्ञान में 4 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल 5 अंक के ही रहेंगे। वहीं 12वीं केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स में 4 अंक के प्रश्न नहीं रहेंगे। इसके साथ बोर्ड ने इस बार 2 अंकों के प्रश्न का उत्तर 30 से 50 शब्दों में, 3 अंक के प्रश्न का उत्तर 50 से 80 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 80 से 120 शब्दों में देना होगा। बिहार में ट्रेनों का सफर होगा सस्ता। बिहार में अब लोगों का ट्रेनों से सफर करना सस्ता होगा। बता दें कि अब थर्ड एसी में सफर करने वाले यात्रियों को कम किराया लगेगा। यह सुविधा उन्हें थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच में जल्द मिलने वाली है। रेलवे के आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि जल्द ही उन ट्रेनों की लिस्ट जारी होने वाली है जिनमें इन कोच को लगाया जाएगा। इसमें सफर करने वाले यात्रियों को वर्तमान थर्ड एसी के किराए से 9% कम भाड़ा लगेगा। वहीं पटना से दिल्ली सफर करने वाले लोगों पर लगभग ₹110 कम लगेंगे। ट्रेनों की लिस्ट शीघ्र जारी होनी है, इससे यात्रियों के किराए में काफी राहत मिलेगी। जापानीज कंपनी योकोहामा में पॉलिटेक्निक की 10 छात्राओं का चयन। जापानीज कंपनी योकोहामा ने मुजफ्फरपुर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में हरियाणा के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को अंतिम रूप से चयन हुआ। सभी छात्राओं को 1 अक्टूबर से बहादुरगढ़ हरियाणा शाखा में डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के पद पर ₹18,300 मासिक वेतन पर ज्वाइन करना है। इसके बाद कंपनी पॉलिसी के तहत उनके वेतन में वृद्धि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। कंपनी के एचआर मैनेजर ने कहा है कि कंपनी ने नारी सशक्तिकरण के तहत 50% कर्मचारी महिलाओं को रखने का लक्ष्य रखा है और यह कंपनी जापान की है, जिसकी 4 शाखाएं इंडिया में हैं। नगर निकाय में बिहार के 5,499 प्रत्याशियों का होगा फैसला। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर पहले चरण में राज्य के 156 नगर पालिका क्षेत्रों में शनिवार तक 88 नगर पंचायतों में 5,499 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं अगर पटना जिले की बात करें तो पटना के 12 नगर निकायों में कुल 1,915 उम्मीदवारों ने नामांकन करवाया है। ये सभी नामांकन 3 पदों, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए हुआ है। नामांकन का अंतिम दिन सोमवार यानी कि बीते दिन था। वहीं अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया 20 और 21 सितंबर को की जाएगी। इसके बाद नाम वापस लेने की तिथि 22 सितंबर से 24 सितंबर रखी गई है। उसके बाद 25 सितंबर को अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची और प्रतीकों का आवंटन होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विवि ने किया शोध। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के सहयोग से मुजफ्फरपुर के कमतौल निवासी किसान निपेंद्र शाही ने किसानों को दोहरे बचत की राह दिखाई है। अब किसानों को धान व गेहूं की खेती के साथ मशरूम का उत्पादन दोहरा मुनाफा देगा। किसान मशरूम के अवशेष का उपयोग धान व गेहूं की खेती में करके बड़ी बचत कर सकते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी छिन्न नहीं होगी, क्योंकि उसमें किसी तरह के केमिकल के प्रयोग की जरूरत नहीं होगी। विश्वविद्यालय के एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च
के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर दयाराम ने बताया कि धान व गेहूं का अवशेष किसान चला देते थे, वहीं एक अवधि के बाद मशरूम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उसका अवशेष फेंक दिया जाता है, लेकिन अब इस अवशेषों का किसान खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बक्सर व सीतामढ़ी के युवक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। बक्सर के नंदन चौबे ने देश के विभिन्न राज्यों के 11 पर्वतारोहियों के साथ मनाली और लेह के बीच स्थित माउंट यूनान और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित माउंट कनामो पर फतह हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि नंदन चौबे ने माउंट कनामो पर 328 फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। वहीं 17,352 फुट ऊंची माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतह करने वाली टीम में सीतामढ़ी के बसबिट्टा निवासी विवेक भी शामिल है। हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून पर दी तीखी टिप्पणी। बीते दिन शराबबंदी कानून को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी तीखी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी शराबबंदी कानून को लागू करने में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके कारण इससे जुड़े मुकदमों की बार आ गई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 12,86,036 मामलों का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें 4,873 ट्रायल पूरा हो चुका है। अभी तक 950 लोगों को दोष मुक्त और 3,923 लोगों को सजा दी गई है। 1 मई 2022 से लेकर 17 सितम्बर 2022 तक 2,398 ट्रायल पूरा हो चुका है। पिछले 4 महीनों का कन्विक्शन रेट 93% है। आईएएस अधिकारी वीके सिंह बने रक्षा मंत्रालय में सचिव। मोदी सरकार ने पंजाब कैडर के 1,990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय कुमार सिंह को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का सचिव बनाया है। बता दें कि वीके सिंह ने बीते दिन सोमवार को सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इन्हें पंजाब और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पद पर 32 वर्षों से अधिक का काम करने का अनुभव रहा है। वीके सिंह को आने वाले वर्षों में भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों को राहत देने के लिए कई कल्याणकारी नीतियों को लागू करना है। सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। NSS कैडेट के टॉप 30 में शामिल हुआ बिहार का शैलेंद्र कुमार। बिहार के मगध विश्वविद्यालय के छात्र शैलेंद्र कुमार को 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में होने वाले आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा NSS का सर्वोच्च पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। शैलेंद्र पूरे बिहार से इकलौते छात्र है जिनका चयन NSS अवार्ड के लिए किया गया है। बता दें कि पूरे देश से 40,00,000 NSS स्वयंसेवकों में से 30 सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों का चयन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किया जाता है, जिनमें गया के शैलेंद्र कुमार भी शामिल है। पुरस्कार के रूप में उन्हें मेडल, प्रमाण पत्र एवं 1,00,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की उद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उद्योग विभाग में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं विभाग के अद्यतन कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की वर्षवार स्थिति की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरपुर लेदर क्लस्टर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि अब इथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद इथेनॉल उत्पादन को लेकर राज्य में निवेशक आ रहे हैं, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा। चिराग पासवान के निशाने पर नीतीश। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बदलने से जंगल राज डबल हो गया है। जिस तरह से बिहार में अपराध की घटनाएं हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार को दिल्ली दरबार में जाने की फुर्सत है, लेकिन जो घायल है उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभाला जा रहा तो इस्तीफा दे दे। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प बच गया है। जमुई सांसद ने कहा कि बिहार में भी जल्द ही जदयू में टूट देखने को मिल सकता है। इंदौर में 55 आदिवासी बच्चों को सचिन तेंदुलकर का खास गिफ्ट। बीते दिन सोमवार को तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के 55 आदिवासी बच्चों को इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंडिया लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का T20 मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि यह मैच बारिश के कारण बाधित हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 55 बच्चों को दिया गया यह आमंत्रण परमार्थिक संगठन सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के द्वारा था। ये बच्चे पहली बार किसी स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल का मैच देखने पहुंचे थे। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने बच्चों से बातचीत की और कहा कि जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में सभी चुनौतियों का समाधान ढूंढता है वही असली विजेता होता है। देश भर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4043 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 26 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 53,921 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 36 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश रिशेतियो, राबिया बाश्री, गगन कुमार, सदुल्लाह पलवी, मृत्युंजय कुमार, भान प्रकाश मौर्य, नुन्नू कुमार, बाबूलाल मरांडी, शंकर मुखिया, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, कृष्णा दुबे, कविता कुमारी, छोटू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, CBSE के द्वारा प्रश्न पत्र पैटर्न में किए गए बदलाव से बच्चों को कितना फायदा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।